परिणाम स्थिति एक दो तीन चार पांच चलो हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। अब की बार जय बोलने में मजा आया जरा। भारत माता की वंदे। पीछे वालों की भी आवाज देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच जाए और पाकिस्तान तक हिल जाए। वंदे वंदे। बच्चों आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए तो बुलाया है यहां पर, लेकिन सूर्य नमस्कार करते करते आपको ऐसे कर्म करने, ऐसा आचरण करना है, ऐसे कीर्तिमान घड़ने हैं कि भारत माता को सारी दुनिया नमस्कार करे, वो काम करके दिखाना है। ये संकल्प आज यहां से लेकर के जाना है कि जो सपना देखा था महात्मा फूल सिंह जी ने, जो सपना था महर्षि दयानंद का, जो सपना था स्वामी श्रद्धानंद का, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि का, यह भारत रामकृष्ण की, यह शिव जी की धरा, जिसने कोटि कोटि ऋषिमुनियों को जन्म दिया, कोटि कोटि वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति शहादत बलिदान देकर के इस भारत माता को आजादी भी दिलाई, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हम सब मिलकर के वीर वीरांगनाओं और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, और जब तक भारत माँ परम वैभवशाली नहीं बन जाएगी तब तक हम अपने राह पर चलते रहेंगे। चरैवेति चरैवेति। ये संकल्प आज आपको लेकर के जाना है। एक साधारण उद्देश्य के लिए आपको नहीं बुलाया। सूर्य नमस्कार का एक कीर्तिमान घड़ना यह तो एक आलंबन है ही, इसके लिए अभिनंदन है हमारे भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, योग आयोग का अभिनंदन है, हमारे भाई खट्टर जी का भी एक बार जोरदार मनोहर लाल खट्टर जी के लिए अभिनंदन है। तो हमें भी समझदारी और जिम्मेदारी निभाना है, सुबह उठ करके योग करना है। ये संकल्प लेके जाएंगे। आज यहां सैकड़ों विद्यालयों से बच्चे आए हुए, एक बार सब बच्चों का यहां मैं पतंजलि योगपीठ की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, और भाई मैं तो एक सनातन का सन्यासी हूं तो पूरे भारतवर्ष की ओर से और पूरी हरियाणा सरकार की ओर से और महात्मा फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बहुत पुरुषार्थ किया है। बोलिए भारत माता की। आधुनिक युग के योगी, ऐसे योगी जिन्होंने हरियाणा के उस गांव से जहां पर सड़क नहीं जाती, जहां पर रेलगाड़ी नहीं जाती, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए आईआईएम आईआईटी जैसे प्रोफेशनल को पीछे छोड़कर गुरुकुल में पढ़कर पूरे देश व दुनिया में स्वदेशी व योग का परचम लहराया, ऐसे आधुनिक युग के योगी युग पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद के मानस पुत्र परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मन में एक संकल्प था, 13 सितंबर 2013 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जंतर मंतर से यह संकल्प लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे तब तक मैं लौटकर अपने आश्रम में नहीं जाऊंगा। ऐसी आदर्श सरकार को चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां हरियाणा की सरकार के एक यशस्वी मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी का हम अभिनंदन करते हैं, जो पूरे प्राणापण से इस मां भारती की सेवा में लगे हुए हैं। हरियाणा योग की धरती है, गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी क्या कर सकता है, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने करके दिखा दिया। पेट हिलाते हिलाते यदि सत्ताओं की चूल्हे, भ्रष्टाचारियों की नींव और पूरी दुनिया को हिलाने का काम किसी ने किया है तो वो हरियाणा की माटी के एक लाल आपके परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। 80 साल पुरानी कंपनी
कोलगेट जैसी कंपनी जो हमें हड्डियों का चूरा रगड़ने के लिए मजबूर करती थी, उस 80 साल पुरानी कोलगेट कंपनी को भी नीम, हल्दी, तुलसी, एलोवेरा और वेद शक्ति के नाम से टूथपेस्ट निकालने के लिए यदि किसी ने मजबूर किया है तो वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है।